15.2.3 परिणाम के आधार पर अनुमान Assumption based on experimental observation. प्रयोगों से मेंडल ने अनुमान लगाया. पहला, प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए दो कारक फैक्टर होते हैं. दूसरा, प्रजनन के दौरान हर जनक के दो कारकों में से एक कारक संतान को मिलता है. इस प्रकार संतान में कारकों का एक नया जोड़ा बनता है. तीसरा, विपरीत गुणों के दो जोड़े कारकों में से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है. आइए एक क्रियाकलाप से पता करें कि मेंडल ने किस गणितीय आधार पर यह अनुमान लगाए होंगे. 15.2.4 संभाव्यता और अनुमान की जांच. क्रियाकलाप 3, सिक्के के खेल और संभाव्यता. कंफर्मिंग एजम्पशन विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी. 1, 2 या 5 रुपए के एक जैसे दो सिक्के से खेल शुरू करते हैं. एक सिक्के में दोनों तरफ निशान लगा दें. सावधानी रखें कि सिक्के के चित हेड या एच एवं पट टेल या टी दोनों भाग दिखते रहे. यह अ सिक्का है, बिना निशान वाला ब सिक्का हुआ. अब अ एवं ब सिक्कों को एक साथ उछालें और सिक्कों को देखकर सारणी में अ एवं ब सिक्के के चित एवं पट को टैली चिन्ह बनाकर नोट करें कि चित एवं पट कितनी बार आया. यदि पहली बार उछालने पर दोनों पर चित आए तो एच एच के स्तंभ के नीचे एक टैली चिन्ह लगाएं और अगली बार दोनों पर पट आए तो टी टी के नीचे एक टैली चिन्ह लगाएं. ऐसा 500 या 1000 बार दोहराएं. अब अ एवं ब सिक्के की चारों परिस्थितियां कितनी बार मिली इसका प्रतिशत निकालें. क्या हर परिस्थिति 25% मिल रही है? सिक्के की चारों परिस्थितियों अर्थात एच एच, एच टी, टी एच, टी टी का अनुपात आपको 1:1:1:1 मिला होगा, यानी हर एक की संभावना 25% है. अगर आप एक ही सिक्के से खेलते तो चित या पट होने की संभावना कितनी होती? ठीक इसी प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोगों के अवलोकनों के आधार पर परिस्थितियों का प्रतिशत एवं अनुपात निकाला था. अगर हर सिक्के के चित और पट को मेंडल का एक कारक जोड़ा मान ले तो दोनों सिक्कों पर चित एच एच एक साथ आए तो शुद्ध बैंगनी गुण एवं दोनों सिक्कों पर पट टी टी एक साथ हो तो शुद्ध सफेद गुण है. एच टी या टी एच बैंगनी, सफेद या इन दोनों का मिलाजुला रंग दर्शा सकता है. परंतु मेंडल के प्रयोग में हमने देखा कि बैंगनी का प्रतिशत 75 है और सफेद का 25. ऐसा तभी संभव होगा जब एच टी टी एच के प्रतिशत को एच एच के प्रतिशत से जोड़ा जाए, यानी 75% बैंगनी मिलेगा. यानी बैंगनी का एक भी कारक हो तो बैंगनी रंग के फूल पैदा करने वाले पौधे मिलेंगे. इसका अर्थ है कि ये बैंगनी कारक सफेद को दबा रहा होगा. इस बात को जांचने के लिए मेंडल कई विपरीत लक्षणों से प्रयोग करते रहे. बच्चों, मेंडल का नाम तो आपने सुना ही है. इनका पूरा नाम है ग्रिगर जॉन मेंडल. ये आनुवंशिकी के जनक है. मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित बहुत सारे प्रयोग पौधों पर किए और इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ अनुमान निकाले. जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्येक लक्षण में दो कारक होते हैं. प्रजनन के दौरान हर जनक में से एक एक कारक संतान को मिलता है और इस प्रकार से संतान में नए कारकों का जोड़ा बन जाता है. इन विपरीत जोड़ी वाले कारकों में एक कारक प्रभावी रूप से दिखाई देता है तो दूसरा मौजूद होने के बाद भी दिखाई नहीं देता है. जैसे बच्चों, आपने बैंगनी फूल और सफेद फूल वाले मेंडल के प्रयोग को तो देखा ही है. इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे मेंडल के प्रयोग को देखते हैं. जब मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में मेंडल को सभी लंबे पौधे दिखाई दिए जबकि वहाँ पर बौने पौधे भी मौजूद थे.
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लंबे पौधे के प्रभावी कारक पहली पीढ़ी में दिखाई दिए, जिसने बौने पौधे के कारक को दबा दिया, जिसके कारण हमें पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे दिखाई दिए। चलिए बच्चों, इसे हम एक गणितीय क्रियाकलाप के आधार पर समझते हैं और देखते हैं कि मेंडल ने किस आधार पर यह अनुमान निकाले होंगे। इसके लिए हमें दो एक जैसे सिक्कों की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 2 रुपए के 2 सिक्के लिए हैं। इस प्रकार से एक सिक्के में दोनों तरफ मैं एक काला निशान बना दूंगी और हमें निशान इस प्रकार से बनाना है कि सिक्के का चित और पट भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इस प्रकार से ये हमारा असिक्का हुआ। और इसी प्रकार से जो बिना निशान वाला सिक्का है, ये हमारा ब सिक्का है। साथ ही बच्चों, सिक्के का हेड वाला जो भाग है, ये लंबे पौधों के कारक को बता रहा है और जो टेल वाला भाग है, ये बौने पौधों के कारक को बता रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सिक्कों को उछालेंगे और उछालने के बाद हेड और टेल किस सिक्के में कब आ रहा है, इसे हम एक सारणी में टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। तो हम अपना क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों सिक्कों को मैं एक साथ उछालूंगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो निशान वाला सिक्का है उसके उस पर हेड आया है और जो बिना निशान वाला सिक्का है उस पर भी हेड आया है, मतलब दोनों तरफ एच एच आया है। तो अब हम इसे एच एच स्तंभ में एक टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। चलिए इसे हम फिर से करते हैं। अब हमारा जो असिक्का है, निशान वाला सिक्का, इस पर टेल आया है और बिना निशान वाले सिक्के में हेड आया है। इसे भी हम टी और एच इस स्तंभ में टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से एक बार और हम उछालेंगे। अब अ और ब दोनों सिक्कों में टेल आया है, मतलब टी टी वाला जो हमारा स्तंभ है उसके नीचे हम इसे एक टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से बच्चों, इस प्रक्रिया को हमको कम से कम 500 या 1000 बार दोहराना है। मैं इसे 500 बार करने वाली हूँ। इस प्रकार से दोनों तरफ हेड आया तो हम एच एस स्तंभ के नीचे एक टैली मार्क बना लेंगे। अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच स्तंभ के नीचे हमें टैली मार्क बना लेंगे। इसी प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों में हेड हेड आया तो हम एच एच स्तंभ के नीचे एक टैली मार्क बना लेंगे। अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच, तो टी एच स्तंभ के नीचे हम एक टैली चिन्ह बना लेंगे। फिर से उछालते इसको और हमें इसे फिर से एक साथ उछालना है। इस प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों में एच एच आया, हेड आया तो हम एच एच स्तंभ में एक टैली मार्क बना लेंगे। फिर से अ और ब सिक्के में अब टी टी आया, टेल आया, इसलिए टी टी स्तंभ के नीचे हमें टैली चिन्ह बना लेंगे। फिर से इसमें टेल टेल आया, इसलिए हम टी टी के नीचे फिर से एक टैली चिन्ह बना लेंगे।
अब ये 499, तो हम देख सकते हैं कि अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में भी टेल आया। इस प्रकार से टी टी स्तंभ में हम एक टैली मार्क बना लेंगे। अब यह आखिरी बार हम 500 बार इन सिक्कों को उछाल रहे हैं। इस प्रकार से अ सिक्के और ब सिक्के दोनों में टेल टेल आया, तो फिर से हम इसे टी टी स्तंभ में एक टैली चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा परिणाम तैयार हो चुका है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्तंभ का जो प्रतिशत आया है वो 25% ही आया है। तो ये जो क्रियाकलाप हमने किया है, ये संभावनाओं का प्रयोग है और इसी संभावनाओं के आधार पर ये अनुपात यहाँ पर निकला है। तो इसी आधार पर मेंडल ने भी प्रयोग किया था और उन्होंने इस प्रकार का अनुपात निकाला था। अगर हम इस HH कॉलम, HT और TH कॉलम को एक साथ जोड़ देते हैं तो इनका जो प्रतिशत हमें प्राप्त होगा वो लगभग 75% प्राप्त होगा, और TT कॉलम का जो प्रतिशत प्राप्त होगा वो लगभग हमें 25% प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो अनुपात निकलेगा वो 3:1 होगा। इसी आधार पर मेंडल ने भी 3:1 का अनुपात निकाला था। अनुमान और भी सम और एजम्पशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, शुद्ध लक्षण वाले जनकों से मेंडल ने अपना प्रयोग शुरू किया था। बैंगनी और सफेद फूल वाले पौधों के प्रयोग की बात करें तो मेंडल द्वारा पहली पीढ़ी को शुरू इस प्रकार किया गया। शुद्ध बैंगनी और सफेद फूल के लक्षण के कारक जोड़ी में होंगे, जिसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। कैपिटल वीवी यानी बैंगनी पर्पल, स्मॉल वीवी सफेद वाइट। इन लक्षण वाले जनकों के बीजांड और परागकण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। बैंगनी और सफेद फूलों पर परागण करवाने पर पहली पीढ़ी के पौधे कैपिटल वी स्मॉल वी कारक वाले होंगे, क्योंकि कारकों के जोड़े इस प्रकार बनेंगे। पहली पीढ़ी से प्राप्त यानी द्वितीय पीढ़ी के जनक पौधे के बीजांड और परागकण इस प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। द्वितीय पीढ़ी के पौधे के कारकों के जोड़े इस प्रकार बनेंगे, यानी 25% पौधे पहली पीढ़ी के बैंगनी फूल वाले जनक पौधे के समान, 25% पौधे पहली पीढ़ी के सफेद फूल वाले जनक पौधे के समान एवं 50% पौधे द्वितीय पीढ़ी के जनक पौधे जैसे मिले। मेंडल के इस प्रयोग में विषम रूप कारक हेटरोजाइगस फैक्टर कैपिटल वी स्मॉल वी है और समरूप कारक होमोजाइगस फैक्टर स्मॉल वी या कैपिटल वी है।